हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, बहुत जल्दी हमारा एग्जाम होने वाला है DSSSB TGT नेचुरल साइंस का, जिसमें उन्होंने बायोलॉजी में कुछ बहुत सारी न्यू यूनिट्स ऐड किए जो ग्रेजुएशन लेवल की है। ठीक है, उनमें से तीन यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक है सेरिकल्चर, एक है इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, और एक है बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, उसके बाद जो अभी हम करंटली कर रहे हैं वो है अप्लाइड जुआलॉजी की यूनिट, जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स उन्होंने दिए हुए थे। हमारे सिर्फ दो सब टॉपिक्स बचे हैं अब अप्लाइड जुआलॉजी में, एक है इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और एक है प्रोटोजोअन्स। ठीक है, आज हम कर रहे हैं इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, बाकी सबको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले आता है हमारा हेलिकोकोवेरा आर्मीगेरा, ठीक है, जिसका कॉमन नेम है कॉटन बॉलबोम। तो मेरे अकॉर्डिंग है ना, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे डिटेल में इसके बारे में इतनी सारी डिटेल्स आपको याद नहीं रह पाएगी, तो वो आपसे है ना कॉटन बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, ये मेनली किस प्लांट को अटैक करते हैं ये पूछ सकते हैं। ठीक है, इनको कंट्रोल करने के क्या तरीके होते हैं ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हेलिकोकोवेरा आर्मीगेरा जो होता है, इसका कॉमन नेम होता है कॉटन बॉलवर्म। ठीक है, तो हमें इसमें तीन चीज़ें पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, इसका कंट्रोल पढ़ना है, और इसका डैमेज पढ़ना है, यानी कि इसकी बायोलॉजी कैसी होती है, दिखता कैसा है, ये कौन कौन से प्लांट्स को मेनली डैमेज करता है, और उसके बाद इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट्स है। तो ये इसको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं, कॉटन बॉलवॉर्म के नाम से जानते हैं। इसके जो एग्स होते हैं वो व्हाइट से येलो कलर के होते हैं, जब हैच करते हैं, यानी कि उसमें से जब लार्वा बाहर निकल रहा होता है, तो उस टाइम है ना वो ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं। तो इनके जो यंग कैटरपिलर्स होते हैं, आपको पता है ना, एग्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम कैटरपिलर बुलाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम है ना हल्के से पेल ग्रीन कलर का होता है, उस टाइम यंग कैटरपिलर जो होता है वो पेल ग्रीन कलर का होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, इनके कलर अलग अलग चेंज होते हैं, यानी कि येलोइश भी दिख सकता है, ग्रीन भी दिख सकता है, डार्क ब्राउन भी दिखता है, और इसके ऊपर है ना निशान होते हैं, मार्किंग्स दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद जो अडल्ट होता है वो बहुत अलग अलग दिखाई देते हैं, यानी कि उसके जो फोर विंग्स है वो येलोइश टू ऑरेंज कलर के हो सकते हैं फीमेल्स में, और ग्रीनिश और ग्रे कलर के हो सकते हैं मेल्स में। यानी कि अगर मेल और फीमेल को आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला जाए, तो वो सुंदर सुंदर जो कलर होता है फीमेल को, जैसे बहुत ही अट्रैक्टिव कलर पसंद होते हैं, तो येलोइश और ऑरेंज होते हैं वो फीमेल के होते हैं, और ग्रीनिश एंड ग्रे जो होते हैं वो मेल के होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनके ऊपर है ना आपको किडनी शेप की मार्किंग दिखाई देंगी, जो इनको अलग बनाती है, स्लाइटली डिस्टिंक्ट करती है। किसकी बात हो रही है, ये कॉटन बॉलवॉर्म इंसेक्ट की बात हो रही है। अभी डैमेज कैसे करता है, तो इसका जो कैटरपिलर स्टेज होता है, वोरेशियस कैटरपिलर होता है, वो क्या करता है, लीव्स खाता है, यानी कि जो कॉटन का प्लांट होगा हमारी, उसकी लीव्स स्टेम उनको है ना उनके ऊपर फीड करना शुरू कर देता है, उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या खाना पसंद करता है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को खाना पसंद करता है, यानी कि कॉटन का जो आपका प्लांट है उसके ऊपर जो बर्ड्स आ रखे होंगे, जो इनफ्लोरेसेंस आ रखी होगी, बेरीज, पॉड्स, कैप्सूल्स, उन सबको ज्यादा डैमेज करता है कौन, कॉटन बॉलवॉर्म। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स में बोर कर देते हैं, यानी कि छेद करके वहां पे पहुंच जाते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारे होल्स कर देते हैं, यानी कि उसमें अगर इन्होंने छेद किया, उसको खोद डाला इन्होंने, तो क्या होगा, आपको बहुत सारे राउंड होल्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारे कॉटन के प्लांट को सबसे ज्यादा डैमेज करता है, इसलिए इनका नाम भी क्या रखा गया है, कॉटन बॉलवॉर्म रखा गया है। उसके बाद ये क्या करते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से होता है, उनकी वजह से ना फ्रूट सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना ग्रोइंग टिप जो होती है वो डिस्टर्ब हो गई, तो आपके जो प्लांट की ग्रोथ है, मेच्योरिटी है, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, और आपके जो फ्रूट्स आने वाले थे कॉटन के प्लांट पे, जो फ्रूट्स आने वाले थे वो भी जल्दी ही गिर जाते हैं, ड्रॉपिंग हो जाती है, यानी कि फ्रूट ड्रॉपिंग हो जाती है। तो कॉटन के अंदर क्या होता है, जैसे ही है ना वाला होता है, ब्लूम आने वाला होता है, उससे पहले ही अटैक कर देते हैं, और आपका जो कॉटन का प्लांट है वो फ्रूटलेस रह जाता है। ठीक है, और जो उनके कॉटन बॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, जो बची होती है वो भी नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो उसके बाद है ना जो क्वालिटी आपको मिलेगी, कॉटन की जो क्वालिटी मिलेगी वो बहुत ही खराब होगी, आपको बस वो धागा धागा रेशा रेशा मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंट बोलते हैं। आपने कभी कभी देखा है हमारे कपड़ों पे है ना, सर्दियों में जब हम उनको वॉश करते हैं तो उनके ऊपर ना रुआ आ जाता है, वो क्या होता है, वो लिंट होता है। इतनी खराब क्वालिटी का आपको कॉटन मिलेगा इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कॉटन बॉलवर्म का इंसेक्ट है, उसने हमारे पूरे प्लांट को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है। उसके बाद होता है, अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के तरीके हम अपना सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, केयरफुली आपको क्या करना है, इनके जो प्यूपे होते हैं, आपको पता है ना कैटरपिलर जो होता है वो प्यूपा स्टेज में भी जाता है। ठीक है, जो एग्स होता है उन सबको है ना आप सन में ड्राई करने के लिए छोड़ सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पेस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी कम करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स भी हम करते हैं। आपको पता है ना कॉटन बॉलवॉर्म को कंट्रोल करने के लिए हम है ना एक बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम क्या है, बेसिलस थ्यूरेंजाइसिस। ठीक है, बीटी कॉटन हम जिसको कहते हैं। तो बीटी कॉटन हमने जो इंट्रोड्यूस किया था, उसका मेन रीजन यही था कि पहले क्या होता था ना, जैसे आपने ना कपास की खेती की, तो ये जो कॉटन बॉलवर्म होता था ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता और सारी की सारी
किसान को कोई फायदा तो हो नहीं पाता था, उसकी सारी की सारी जो खेती होती थी वो बर्बाद हो जाती थी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लेके हम आए, जिसमें हमने क्या किया, बेसिलस थुरिंजियासिस नाम के इंसेक्ट को हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। और अब वो क्या करता है, जैसे ही इसको कॉटन बॉलवर्म खाता है और वो क्या करता है, उसमें से पॉइजन रिलीज होता है, वो मर जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है पायरेलिया परस्यूलिया। ठीक है, तो पायरेलिया परस्यूलिया की बायोलॉजी क्या होती है, ये है ना शुगर केन के प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो आपको ना सबसे मेजर याद रखना है कि कौन सा इंसेक्ट किस प्लांट को हार्म करता है। जैसे हमारा जो कॉटन बॉलवर्म है वो कॉटन के प्लांट को हार्म करता है, वैसे है ना पायरेलिया परस्यूलिया क्या करता है, आपका जो शुगर केन यानी कि आपकी गन्ने की जो खेती होती है उसका बहुत ही सीरियस पेस्ट है ये नॉर्दर्न इंडिया में। आपको पता है नॉर्दर्न इंडिया में गन्ना बहुत ज्यादा उगाया जाता है। उसके अलावा सिर्फ ये गन्ने को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, कभी कभी ये क्या करता है, आपकी जो मेज की खेती है, मिलेट की खेती है, राइस, बार्ले, ओट, सोरगम, बाजरा, ये सारे के सारे जो ग्रास फैमिली के आपके जितने भी ग्रेन्स है, इन सबको भी ये अपना शिकार बना लेता है। ठीक है, तो इसके जो अडल्ट हॉपर्स होते हैं वो स्ट्रॉ से ब्राउनिश कलर के हो सकते हैं। ठीक है, उनका है ना पाउंड, उनका जो आगे वाला पार्ट होता है नोज माउथ वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉइंटेड होता है। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, आराम से है ना किसी भी चीज को चीरने के लिए बना हुआ है, किसी भी चीज को आराम से चूस सकता है, चीर सकता है, इस चीज के लिए इनका माउथ इस तरीके से मॉडिफाइड है। ठीक है, अडल्ट जो होते हैं वो बहुत ही एक्टिव फ्लायर्स होते हैं, यानी कि आराम से उड़ सकते हैं, एक जगह से एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप पे जाते हैं और वहां पे है ना नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ऐसा कौन करता है, पायरेलिया परस्यूलिया करता है। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कॉटन बॉलवर्म का जो कैटरपिलर होता है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है कॉटन को। ठीक है, पायरेलिया परस्यूलिया जो होता है वो किसको नुकसान पहुंचाता है, मेनली शुगर केन को करता है। शुगर केन के अलावा भी बहुत सारे जो ग्रास फैमिली है हमारी, मेज, मिलेट, राइस, बार्ले, ओट जिसमें आते हैं, उन सबको भी वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, इसके जो एग्स होते हैं वो लाइट येलो कलर के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनकी जो नेक्स्ट स्टेज आती है, एग्स के बाद इनकी एक स्टेज आती है, उसको हम निम्फ कहते हैं। तो ये निम्फ जो होते हैं ये पहले तो ग्रीन कलर के होते हैं, बाद में है ना ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, और इनके जो विंग्स होते हैं वो नहीं होते, विंगलेस होता है। ये जो निम्फ वाली स्टेज होती है इसमें इनके विंग्स नहीं होते, जब इनकी अडल्ट वाली स्टेज आएगी उसमें विंग्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे कैसे डैमेज करता है, इसमें है ना जो अडल्ट होता है और जो निम्फ होता है वो दोनों के दोनों ना सेल सैप को सक कर लेते हैं। आपको पता है जो हमारा शुगर केन है वो सक्यूलेंट प्लांट के अंदर आता है। ठीक है, जो उसकी लीव्स होती है उनको है ना ये अपने रोस्ट्रम के थ्रू उसका जो सैप है उसको चूस जाते हैं। तो आपको पता है हमारी जो लीव्स होती है, अगर आप उनको कभी भी देखो ना सक्यूलेंट लीव को देखोगे तो आपको है ना थोड़ी ऐसी लगेगी जैसे उसके अंदर है ना कुछ भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड सा भरा हुआ है ऐसा लगता है, तो उसको ही हम सेल सैप कहते हैं। उसको ये लोग क्या करते हैं, उसको पूरा चूस जाते हैं। उसके बाद हमारी इसकी वजह से क्या होगा, इन्होंने सब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट तो उसका चूस लिया, तो अब जो पत्तियां रह जाती हैं वो बहुत ही पेल येलो कलर की हो जाती है, पीली पड़ने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं एक स्वीट स्टिकी ट्रांसपेरेंट लिक्विड जिसको क्या बोलते हैं, हनी ड्यू कहते हैं, जिसकी वजह से है ना बहुत सारी हार्मफुल फंगी उसके पास आ जाती है और वो क्या कर देती है, हमारे के पास है ना ब्लैक शूटिंग माउल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा हमारा शुगर केन जो है, अब अच्छे से फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने है ना वहां पे एक स्वीट स्टिकी से लिक्विड छोड़ दिया जिसको हनी ड्यू कहते हैं, उसके पास बहुत सारी फंजाई ग्रो कर गई। अब बहुत सारी फंजाई ग्रो कर गई तो वहां पे है ना लाइट पड़ने का, हमारी लीव के ऊपर लाइट पड़ने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, अब हमारे शुगर की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो दोनों खराब हो जाएगी। अब हमारा जो शुगर बनेगा यानी कि शुगर केन होगा वो पतला भी रह जाएगा। ठीक है, वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया तो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, तो क्वांटिटी तो खराब होगी। अगर आप उसकी शुगर की क्वालिटी भी देखोगे ना, शुगर केन से शुगर बनेगी उसकी क्वालिटी भी बहुत खराब हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये डैमेज करता है। और इसकी अडल्ट एंड निम्फ दोनों की दोनों स्टेट ऐसा करती है। वहां पर कौन था, कैटरपिलर था किसमें, कॉटन बॉलवर्म में, यहाँ पे कौन है, अडल्ट और निम्फ। उसके बाद अब इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो इसके एग मासेस होते हैं उनको हमें कलेक्ट करना चाहिए और जला देना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर आप फिनाइल वाटर को स्प्रे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आप है ना मेलाथोइन, पैराथोइन, ये सारी के सारी है ना इंसेक्टिसाइड होते हैं, इन सबको अगर आप स्प्रे करोगे तो भी आप कंट्रोल पालोगे। ठीक है, उसके अलावा आप है ना 10% एल्ड्रिन और डाइएल्ड्रिन भी डाल सकते हो अपने प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन आपको पता है बहुत सारे इंसेक्ट की वजह से ही, बहुत सारा इंसेक्टिसाइड डालने की वजह से ही हम बोलते हैं कि आजकल कुछ भी खाने में प्योर नहीं रह गया, लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि अगर ये हार्मफुल केमिकल्स वहां पे हमने नहीं डाले तो क्या करेंगे, इंसेक्ट पहले ही सारी की सारी क्रॉप को डैमेज कर देंगे और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। फार्मर को भी बहुत नुकसान होता है और हमें भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अगर हमारा फूड ही प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड इंसेक्ट जो हमें पढ़ना है, वो है पेपिलियो डोमिल्कस।
ठीक है, पपिलो डोमेलिकस की बायोलॉजी क्या है, ये मोस्टली किसको अटैक करता है, सिट्रस प्लांट, खट्टे जो फल होते हैं उनके जो पौधे होते हैं उनका सबसे बड़ा पेस्ट कौन है, पेपिलियो डोमेलकस। ठीक है, तो इसकी जो अडल्ट होता है वो लार्ज बटरफ्लाई होती है, और उसके ऊपर है ना आपको बहुत सुंदर सुंदर ब्लैक और येलो मार्किंग्स दिखाई देंगे, यानी कि है ना एक बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई की फॉर्म में होती है और उसके ऊपर है ना ब्लैक और येलो कलर की मार्किंग्स होती है। ये भी बहुत एक्टिव फ्लाइट्स है, यानी कि आराम से उड़ते रहते हैं और पूरे के पूरा जो प्लेन एरिया हो उसमें मिलते हैं। इनके जो अंडे होते हैं वो छोटे होते हैं, गोल होते हैं, बहुत ही स्मूथ होते हैं, ये भी येलोइश कलर के होते हैं। ठीक है, और एक लीफ पे ना सारे के सारे आपस में ग्लू करके रखे जाते हैं, 3 से 6 दिन लगता है इन्हें, यानी कि अंडे में से नेक्स्ट स्टेज जो बाहर आएगी, लार्वा जो बाहर आएगा, कैटरपिलर जो बाहर आएगा, उसको कितने दिन लग जाएंगे, 3 से 6 दिन अंडे से बाहर आने में लग जाएंगे। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, पेपिलो डोमेलकस की बात कर रहे हैं, जो किसको अटैक करता है, सिट्रस प्लांट को अटैक करता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसमें जो लार्वा होते हैं, इसके जो लार्वा होते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे ऊपर से है ना पक्षी जैसे बीट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे लगता है बर्ड ड्रॉपिंग के जैसा दिखता है। ठीक है, ब्राउनिश ब्लैक कलर के होते हैं और उसके ऊपर है ना छोटे छोटे व्हाइट पैचेस होते हैं, तो अगर आपने है ना कभी देखा होगा कबूतर ने बीट कर दिया है, ठीक है, तो उसके जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि उनका जो एक्सक्रीटा होता है उसके जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर के हो जाते हैं, ग्रेइश मार्किंग होती है। उसके बाद है ना इसमें प्यूपा स्टेज आती है। अब इसमें प्यूपा जिसको हम चेरिलिस भी बोलते हैं वो ग्रीन से ब्राउन कलर का हो सकता है और मुड़ी हुई लीफ के जैसा दिखाई देता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे एक कोई जो पत्ता है वो मुड़ा हुआ है, इस तरीके का दिखाई देता है इनका प्यूपा। ठीक है, और ये ना ब्रांच से अटैच रहता है बहुत दिन तक एक पतले से सिल्क थ्रेड से। ठीक है, अब प्यूपा का जो इसका पीरियड होता है वो कितना होता है, 8 से 15 दिन, 3 से 5 दिन इसको अंडे से बाहर निकलने के लिए लगे, और उसके बाद जो प्यूपा वाली स्टेज है उसमें कितने दिन रहता है, 8 से 15 दिन रहता है। उसके बाद अब ये कैसे डैमेज करता है, अब इसके जो लार्वा होते हैं वो वेरिशियस फीडर होते हैं, जो प्लांट की टेंडर टेंडर लीव्स है, सॉफ्ट सॉफ्ट न्यू न्यू लीव्स आ रही है, उन सबको खा जाते हैं ये। ठीक है, वो क्या करते हैं, मार्जिन से है ना पहले मार्जिन की खाएंगे, फिर धीरे धीरे खाते खाते लीव्स को अंदर की तरफ जाते रहते हैं। ठीक है, तो वेन्स जो रहेगी ना वो इंटैक्ट रहेगी। कभी कभी आपने किसी पत्ते को देखा है क्या होता है, उसकी जो साइड का सारा ग्रीन वाला पार्ट था वो तो कोई खा गया है, लेकिन उसकी जो सारी वेन्स थी वो सारी की सारी रह जाती है। तो वो इस तरीके का डैमेज कौन करता है, ये लोग करते हैं। ठीक है, यंगर प्लांट्स जो होते हैं वो इतनी ज्यादा डिफोलिएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते और मर जाते हैं, क्योंकि देखो हमारी जो लीव्स होती है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है, अगर पहले ही प्रोसेस में कोई मेरी लीव को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है तो मैं कैसे ग्रो कर पाऊंगी। ठीक है, ऐसा ही उन प्लांट्स के साथ होता है। अब इसका आप कंट्रोल कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप हाथ से इन लार्वों को उठा के हैंड पिकिंग से इनका डिस्ट्रक्शन कर दो। ठीक है, इससे हेल्प कर जाते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सोडियम फ्लोसिकेट का स्प्रे कर सकते हो, मेलाथोनिन स्प्रे कर सकते हो, एंडोसल्फान स्प्रे कर सकते हो, ये सब है ना इंसेक्टिसाइड्स के नाम है। ठीक है, लीड आर्सेनेट को डाल सकते हो, ये इस पेस्ट को कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेलाथोनिन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड्स में से एक है। ठीक है, उसके बाद है ना हम क्या करते हैं, इसमें हम बैसिलस थुरिंजियासिस के स्पोर्स भी डाल देते हैं, जो कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करने का काम करता है ना, वो भी क्या करता है, यहाँ पे इनके कैटरपिलर्स को मारने का काम यहाँ पे भी करेगा। तो हम उसके जो स्पोर्स होते हैं उनको स्प्रे कर देते हैं और वो इन सारे कैटरपिलर्स को मार देगा। ऐसा हम कॉटन बॉलवर्म में मेन करते हैं, इसलिए उसका नाम बीटी कॉटन भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैलासोब्रुचस चाइनिसिस। ठीक है, इसकी बायोलॉजी क्या होती है, इसको मोस्टली हम इसका कॉमन नेम क्या है, पल्स बीटल है। अब नाम से ही हम पहचान सकते हैं कि पल्स का बीटल है, यानी कि दालों को बहुत नुकसान पहुंचाता होगा। ठीक है, तो जो हमारी दालें होती है, चाहे वो काउपी हो, चाहे वो सोयाबीन हो, ग्राम हो, पिजन प्री हो, कोई सी भी दाल हो, ठीक है, उन सारी दालों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है ये। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटियन होता है। कॉस्मोपॉलिटियन हम उस चीज को बोलते हैं जो हर जगह मिलती है, यानी कि वो है ना हर तरीके के एटमॉस्फेयर में आपको मिल जाएगी। तो इसका जो अडल्ट बीटल होता है वो 3 से 4 मिलीमीटर लॉन्ग हो सकता है। फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है, और किस कलर की होती है, ब्राउनिश होती है, यानी कि साइज क्या होता है, फीमेल का साइज बड़ा होता है और ब्राउन कलर की होती है, और उसके जो शोल्डर्स होते हैं वो चौड़े होते हैं। ठीक है, अडल्ट्स के अंदर है ना सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि मेल अलग दिखाई देगा, फीमेल अलग दिखाई देगी, और मेल्स के अंदर क्या होता है, आपको ऐसी आंखें दिखाई देगी जो इंडेंटेड है। ठीक है, उसके अलावा इनका बहुत ही सुंदर एंटीना आपको दिखाई देगा, और फीमेल के पास ये सारे के सारे कैरेक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि मेल एंड फीमेल दो अलग बॉडी में पोजेस कर रहे हैं और उनके बीच में ना बहुत सारे मार्किंग्स हैं जिनसे आप उनको पहचान सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसके एग्स कैसे होते हैं, व्हाइटिश कलर के होते हैं और ये गोल नहीं होते, ये इलेंगेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रेन्स होते हैं, पॉड्स होते हैं, उनके ऊपर स्टक रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ये पूरे के पूरे हमारी जो दाल होती है उसको खा जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये क्या करते हैं, जो ग्रेन का इनर कंटेंट होता है, कभी कभी आपने देखा है हम ऐसे कहते हैं यार दाल में कीड़ा लग गया, तो दाल में कीड़ा लगने का मतलब क्या होगा, आपको बाहर से तो दाल का स्ट्रक्चर जो है वो सही दिख रहा होगा, लेकिन आप उसके अंदर का पार्ट देखोगे ना, वो पूरा का पूरा उसमें से है ना आटा सा जड़ रहा होगा, क्यों, क्योंकि वो अंदर के पार्ट को पूरा का पूरा डैमेज कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनर कंटेंट जो होता है ग्रेन का, उसको बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर देते हैं जब वो डेवलप हो रहा था उसी टाइम, मतलब हमारे घर पे आ रखा है उस टाइम नहीं, जब वो डेवलप हो रहा था उसी टाइम इन्होंने उसको डैमेज कर देता है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 4 से 5 हफ्ते की होती है, ठीक है, और ये 1 साल में है ना 6 से 7 ओवरलैपिंग जनरेशन दे सकता है, ठीक है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 4 से 5 हफ्ते में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अब ये डैमेज कैसे करता है, इसका जो लार्वा स्टेज है और अडल्ट है वो दोनों के दोनों ग्रेन्स को डैमेज करते हैं, ठीक है, जो हमारा दाना होता है उसको डैमेज करते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रेन्स के अंदर है ना होल्स कर देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर है ना एंटर कर जाते हैं, और एंटर करने के बाद जो उसका पूरा कर्नल अंदर वाला पार्ट होता है उस पूरे को खा जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रेन को ये डैमेज कर देते हैं। ये भी आराम से एक्टिवली फ्लाई कर सकते हैं, इन्फेस्टेशन फील्ड में स्टार्ट हो जाती है, और कभी कभी ये क्या करते हैं पॉड के ऊपर ही अपने एग छोड़ देते हैं, जब आप बाद में उसे स्टोर करोगे तो आपकी वहां पे जो स्टोर दाल है वो भी खराब हो जाएगी, और खेतों में तो आपकी जो सारी दाल है वो खराब ये कर ही देते हैं, ठीक है। तो जब भी आप फार्मिंग करते हो ना, फार्मिंग इतना ईजी प्रोसेस नहीं है, लोगों को लगता है कि फार्मर्स के पास इतनी सारी लैंड है, लेकिन देखो आपको कितना ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे टाइप के पेस्ट होते हैं जो अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर शुगर केन पे पेस्ट लग गया तो शुगर की क्वालिटी इतनी खराब होगी, वजन में भी कम हो जाएगा वो शुगर केन। तो आपको पता है फार्मर को जो प्राइस मिलता है ना वो वेट के अकॉर्डिंग मिलता है, गन्ना जितना मोटा होगा जितना ज्यादा उसमें वेट होगा उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलता है, तो उसकी वजह से क्या होगा उसका वेट भी कम रह जाएगा और उसका जो शुगर कंटेंट निकलेगा वो भी खराब होगा, तो कोई खरीदता नहीं है उस फसल को, क्योंकि उनको लगता है आपकी खराब फसल खरीदने की वजह से क्या होगा हमें नुकसान हो जाएगा। अगर आपकी दालें खराब हो गई तो भी सेम बातें होती है, तो बहुत सारे डैमेज से है ना किसको गुजरना पड़ता है, फार्मर को है ना बहुत केयर देनी पड़ती है। उसके बाद अब इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, तो फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, आपको पता ना हम स्प्रे कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है, फॉस्फाइन का स्प्रे कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि आपने है ना मक्का उगाया उसके साथ आपने काउपी उगाए, ठीक है, तो जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं ना तो एक तरीके से है ना हम ये चाहते हैं कि सारी की सारी क्रॉप हमारी डैमेज नहीं हो जाए, तो इससे क्या होता है, और कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि आप है ना घर पे खेती कर रहे हैं, घर पे मतलब आप थोड़े से पौधे उगा रहे हैं, तो अगर आप प्याज और लहसुन का पौधा उगा दोगे ना तो बहुत सारे पैसे आपके प्लांट्स बच जाते हैं, तो ऐसा ही है ना खेती में भी होता है, आप कभी कभी देखोगे दो क्रॉप्स को ना एक साथ उगाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो है ना पेस्ट कंट्रोल में हेल्प कर रही होती है एक दूसरे के। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से हाइजीन प्रैक्टिसेस को प्ले करना चाहिए, तो यानी कि जब आप अपनी दालों को स्टोर कर रहे हो तो देखना चाहिए कि वो गीली तो नहीं है, क्योंकि आपको पता ना ह्यूमिडिटी रहती है तो बहुत सारी जो फंगाई होती है वो ग्रो कर जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको है ना जितने भी खराब दाने हैं दालों के उनको रिमूव कर देना है, ठीक है, उसको आप जितना अच्छे से रिमूव करके सिर्फ अच्छे दानों को स्टोर करोगे तो आपकी बाकी की दाल बचेगी, वरना आपकी बाकी की दालें भी जो है वो खराब हो जाएगी। उसके बाद होता है सोलराइजेशन, बहुत ही अच्छा और सस्ता तरीका क्या होता है कि आप धूप में है ना सुखाने के लिए रख दीजिए, ठीक है, आप है ना अपने सीड्स को आपने धूप में सुखाया, उनके ऊपर जितने भी प्यूपा एग्स ये सब कुछ रहे होंगे वो क्या करेंगे मर जाएंगे, धूप में मर जाएंगे, सोलराइजेशन बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। इसलिए आपने देखा होगा गाँव में है ना गेहूं चावल इन सबको है ना वॉश करके धूप में सुखाया जाता है पहले, उसके बाद पीसा जाता है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सीटोफिलस ओराइजा, तो अगर आप है ना राइस का साइंटिफिक नेम जानते हो तो आपको पता है ना ओराइजा सटाइवा उसका साइंटिफिक नेम होता है राइस का, अगर इसके नाम के पीछे ओराइजा लगा है तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि यानी कि किसको इम्पैक्ट करेगा, राइस को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, इसके साइंटिफिक नेम में भी ओराइजा लगा हुआ है, तो इसको मोस्टली हम राइस वीविल कहते हैं, ठीक है। ये पेस्ट किसका प्राइमरी पेस्ट है, राइस का है, यानी कि मोस्टली तो है ना सबसे ज्यादा किसको अटैक करेगा, राइस को अटैक करेगा, लेकिन कभी कभी इसका मन करता है तो ये वीट को, कॉर्न को, ज्वार को, बीन्स को, ड्राई फ्रूट्स को, बिस्किट्स को, इन सबको भी कर देता है, लेकिन ये मेन पेस्ट किसका है, राइस का, इसका नाम ही राइस वीविल है, ठीक है। जो इनके अडल्ट होते हैं वो 2 से 3 मिलीमीटर लॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर के हो सकते हैं, उसके ऊपर ना इनके ऊपर आपको येलो येलो स्पॉट्स दिखाई देंगे, बहुत ही हल्के हल्के येलो स्पॉट्स दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे है ना माइन्यूट से गड्ढे से आपको इनकी बॉडी के ऊपर दिखाई देंगे, ठीक है। ये है ना फ्लाई नहीं कर सकते, इसके जो अडल्ट है वो फ्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये चल चल के क्रॉल कर करके है ना एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। 5 मंथ तक इनकी जिंदगी हो सकती है। इनके जो एग्स है वो भी व्हाइटिश है और ये भी राउंड नहीं है, ओवल है, शेप में कैसे है ओवल है, ठीक है। फीमेल्स क्या करती है, राइस ग्रेन पे है ना एक हल्का सा डिप्रेशन दे देती है, हल्का सा डिप्रेशन यानी कि उन्होंने थोड़ा सा गड्ढा कर दिया, वहां पे क्या करेगी अपने अंडे दे देगी और उसको है ना एक जेलेटिनस फ्लूइड से है ना कवर कर देती है, यानी कि उसने क्या किया एक चावल के दाने पे गई,
उसमें ना छोटा सा छेद टाइप किया, वहां पे अपने अंडे दे दिया और एक ऐसी शीट से उसने कवर कर दिया, एक जेलेटिन शीट से कवर कर दिया, वो अंडे है ना आराम से बाहर रह पाएंगे, ग्रो करेंगे और आपकी बाकी की जो राइस की क्रॉप है उसको डैमेज कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे जो हमारा कैर्नल था उस पर फीड करने लग जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है ना प्यूपा स्टेज आनी शुरू होती है, एग्स के बाद प्यूपा बनने लग जाएंगे ग्रेन के अंदर, और जो इसका प्यूपा होगा वो लाइट येलो कलर का होगा, बाद में जो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो अडल्ट होता है वो है ना आपके चावल के दाने को काट के बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इसने भी आपके पूरे चावल की क्वालिटी खराब कर दी, एक तो वो टूट टूट के छोटा छोटा हो गया, अब उसको कोई खाना इतना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा उसकी जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हम यूज करने वाले थे उसको भी ये डैमेज कर चुके होते हैं। अब इन्होंने जो डैमेज किया, तो इसका जो लार्वा स्टेज है और अडल्ट स्टेज है वो दोनों के दोनों ही है ना हमारे राइस ग्रेन को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करते हैं। लार्वा क्या करता है, सीड के अंदर जाता है और वहां पे फीडिंग करता रहता है, उसको अंदर से खाली बनाता रहता है, अंदर से वो क्या होता है पूरा का पूरा खोखला हो जाता है, हमारा राइस ग्रेन जो है इसने अंदर से पूरा खोखला कर दिया। अडल्ट क्या करते हैं, उसको काट काट के क्या करते हैं, सर्कुलर होल करेंगे और उसके बाद जब वो पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद ये बाहर निकल आते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, वही सेम तरीका है, आपको बहुत अच्छी हाइजीन देनी है, यानी कि आपको ट्राई करना है, पहले आपको वो सारे के सारे इन्फेस्टेड ग्रेन्स हटा लेने हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कीड़ा लग चुका है। ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड डाल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसको मारने का तरीका क्या होता है, इस पे बाकी के इंसेक्टिसाइड तो थोड़े कम काम करते हैं लेकिन जो फेनिथ्रोइन है ये इस पे बहुत अच्छा काम करता है, तो इसको आप स्प्रे कर सकते हो इसके ऊपर। और इसीलिए जब भी आप है ना कोई भी राइस ग्रेन वीट कुछ भी घर लेके आ रहे हो ना, आपको उसको बहुत थॉरली वॉश करना चाहिए, तब यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्टिसाइड उनके ऊपर डाले जाते हैं। और वैसे तो वो लोग भी बहुत ट्राई करते हैं कि अच्छे से वॉश करके पैक करके तब दिया जाए, लेकिन फिर भी आपको सेफ साइड पर रहने के लिए क्या करना चाहिए, उसको और अच्छे से वॉश करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंसेक्ट जिसका नाम है ट्राइबोलियम कैस्टिनम। इसका मेजर नेम क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, रेड फ्लोर बीटल कहते हैं, यानी कि एक तो ये रेड कलर का दिखता है, अगर आप कभी कभी अपने है ना चावल आटे को देखोगे तो उसमें है ना आपको छोटे छोटे रेड कलर के बीटल्स चलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब तो जो आपका स्टोर्ड वाला आटा होता है ना आपने घर पे जिसको लाके स्टोर्ड प्रोडक्ट जो आपने कर रखे हैं, फूड ग्रेन्स जो आपने प्रोडक्ट स्टोर कर रखे हैं उनको अटैक करता है, यानी कि हमारे घर पे जो पैकेज फूड स्टोर आता है उसके अंदर ये इन्फेस्टेशंस कर देते हैं। तो इसके जो लार्वा और अडल्ट स्टेज होते हैं वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। इसके जो अडल्ट होते हैं वो रेड ब्राउन कलर के दिखते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा जो सर्दियाँ हो रही होती है ना उसमें भी आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा है ना अनहीटेड बिल्डिंग जो होती है उसमें आराम से 2 साल तक रह सकते हैं। अब ये वहां पे जो फीमेल रह रही है उसने अंडे दे दिए, ये अंडे क्या बनेंगे, ये लार्वा बन जाएंगे। ठीक है, ये रेडिश येलो कलर के होंगे, 6 से 7 बार मोल्टिंग होगी इसके अंदर। मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एग दिया वो अपने आपको थोड़ा सा चेंज करेगा, एक नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, हम बोलेंगे मोल्टिंग, फिर वो दूसरा अपने आपको थोड़ा सा और चेंज करेगा, फिर और चेंज करेगा, तो 6 से 7 बार मोल्टिंग के बाद ये क्या बन जाता है, प्यूपा बन जाता है, और प्यूपा से फिर अडल्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये डैमेज कैसे करता है, मानसून पीरियड जो पीरियड अभी चल रहा है ना, बारिश वाला जो पीरियड होता है उसमें ये सबसे ज्यादा डैमेज करता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो हमारा जो आटा वगैरह चीजें होती हैं वो थोड़ी गीली टाइप रह जाती है और वहां पे ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो जो चक्की होती है आपकी आटे की चक्की होती है वहां पे ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, वहां पे अगर ग्रेन स्टोर्ड है, ठीक है, कभी कभी ये खाली ग्रेन में भी हो सकता है लेकिन मोस्टली जो चक्की आटे की चक्की होती है वहां पे ये बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। ठीक है, इसका जो अडल्ट और लार्वा है दोनों की दोनों स्टेज ऐसी है इन्फेक्टिव है, बहुत नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ट्राई करनी है जो हमारा चक्की वाला एरिया है उसको बहुत क्लीन रखना है और उसको बहुत सूखा रखना है, क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी रहती है। आपको पता है बारिश वाले मौसम में है ना बहुत ज्यादा चीजें ग्रो करती हैं। ठीक है, तो जैसे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ होती है वैसे ही है ना जो सारे के सारे पेस्ट है, इंसेक्ट्स है, इन सब की ग्रोथ के लिए भी बहुत बेस्ट टाइम होता है। आप देखोगे फंजाई भी बहुत इजीली ग्रो करती है इस टाइम में, स्पोर्ट्स के जर्मिनेशन के लिए बेस्ट टाइम होता है, क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, पहले ही पानी, वो सारे के सारे फैक्टर्स अवेलेबल है जो किसी को भी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें इस मौसम में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बाहर की चीजें खाते हुए भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो जो इन्फेस्टेड पोर्शन होता है वो फ्लोर का वो आपको रिमूव कर देना चाहिए, यानी कि आपको जिस आटे में लग रहा है ना कि इसमें ये बीटल्स लग गए हैं उसको आपको हटा लेना है। ठीक है, उसके अलावा क्या करना है, आपको इनको सफाई से हटाते रहना है गोडाउन में, स्टोर्स में। अब एक मैंने टेबल बनाया आपको रिवीजन करने के लिए, तो हेलिकोविरा अर्मीगेरा जो होता है इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉटन बॉलवर्म होता है, और ये किस प्लांट को मेनली डैमेज करता है, हमारे कॉटन के प्लांट को मेनली डैमेज करता है। उसके बाद आता है हमारा पायरिलिया परसुलिया, ये हमारे किस प्लांट को डैमेज करता है, सबसे ज्यादा ये हमारे शुगर केन को डैमेज करता है, इसकी वजह से क्वांटिटी और क्वालिटी जो होती है शुगर की वो दोनों खराब हो जाती है,
क्योंकि शुगर केन से ही शुगर बनती है। अगर पहले उस पर इतनी सारी फंजाई ग्रो कर गई थी, उस पर पायरेलिया पर्स्यूलिया ग्रो कर गया था, फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं हुआ, सेल सैप इसने पूरा चूस लिया है, तो क्या होगा, अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएगा हमारा शुगर केन। उसके बाद आता है पेपिलियो डोमेलकस, जो हमारे सारे के सारे खट्टे फ्रूट वाले प्लांट होते हैं उनको डैमेज करता है। ये उनकी सारी के सारी लीव्स को चबा जाता है, सिर्फ वेन वाले पार्ट को छोड़ देता है और अंदर का जो ग्रीन टेंडर वाला पार्ट है उसको खा जाता है, जिसकी वजह से प्लांट सही से ग्रोथ नहीं कर पाता और मर जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कैलाचोब्रूसर चाइनीसिस, जिसको हम पल्स बीटल कहते हैं। अब इसका नाम ही पल्स बीटल है, तो क्या करेगा, हमारी जितनी भी दालें होते हैं उनके पॉड्स को बहुत बुरे तरीके से इन्फेस्ट कर देता है और हमारी दालों को अंदर से पूरा खोखला कर देता है, उनको खा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सीटोफिलस ओराइजा, जिसको याद रखना इसलिए आसान है क्योंकि राइस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ओराइजा सेटवर्म होता है। तो ओराइजा का मतलब है राइस वीविल है ये, और मोस्टली किसको इम्पैक्ट करेगा, हमारी जो राइस की क्रॉप है उसको इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद आता है ट्राइबोलियम रेड फ्लोर बीटल, ठीक है, ये हमारा जो पैकेज फ्लोर है, हमारे घर में जो आटा चक्कियों में स्टोर्ड है, वहाँ पे जहाँ पे हमारा आटा पीसा जाता है, उस वाली जगह को ये बहुत ज़्यादा अटैक करता है। मानसून टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, और ये पूरे के पूरे आटे को, ग्रेन को खराब कर देता है। ये हमारे सिक्स ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हैं, जिनको हमें याद रखना है। इनको आप नाम से भी याद रख सकते हो, ठीक है, और ये किस तरीके का डैमेज देते हैं ये आपको ज़रूर मालूम चाहिए, कौन किस प्लांट को, किस टाइप के प्लांट को डैमेज करता है ये तो आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। थैंक यू, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इससे पहले मैंने DSSB TGT नेचुरल साइंस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अप्लाइड जुआलॉजी का जो टॉपिक है, बहुत बड़ी यूनिट थी, वो कंप्लीट होने वाली है। सिर्फ एक टॉपिक बच गया है, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोअंस डिजीज के बारे में मेरे को आपको पढ़ाना है, तीन डिजीज हमें उसमें कवर करनी है। ठीक है, और बहुत जल्दी उसका लेक्चर भी आएगा। थैंक यू, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा।